किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिसंबर जैसे कि सभी जानते हैं इस वक्त दिव्यांग दिवस के रूप में हर एक विश्व में मनाया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी कालचिनी धर्मशाला में दो संस्थाओं के कोलाबोरेशन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसके माध्यम से हम लोग जितने भी दिव्यांग दिव्यांगजन सब है उन सबको जो सुविधाएँ मिलने चाहिए सरकार द्वारा दिया जाता है, पेंशन के रूप में, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, व्हील चेयर के रूप में, सब हम लोग के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज हम लोग का जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे हम लोग कालचिनी ब्लॉक के श्री मोहन शर्मा जी, बाबुल मुखर्जी, बाबुल मजुमदार जी और कालचिनी ब्लॉक के पंचायत समिति सभापति, कालचिनी ग्राम पंचायत के प्रधान, वो सब हम लोग के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो उन लोग के माध्यम से हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिन में हम लोग का जो भी असुविधाएँ सब है वो सब उन लोग के द्वारा दिया जाएगा। आगामी काल आप लोग का प्रोग्राम का किस तरह का? आगामी काल में हम लोग का प्रोग्राम बहुत जन जो कालचिनी ब्लॉक के जितने भी दिव्यांगजन सब है लोग के पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे सोच रहे हैं हम लोग प्रोग्राम भी है कि आने वाले दिनों सर्टिफिकेट का वितरण हम लोग के संस्था द्वारा किया जाएगा आने वाले दिन में। आज हम लोग संस्था के द्वारा जितने भी आए हुए दिव्यांगजन सब थे उन लोग को एक ब्लैंकेट को सामग्री प्रदान किया गया। अमित लोरा, कालचिनी डिजिटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट।